अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ एक डिवाइस टेक्नो की, जिसको टेक्नो पोवा के नाम से या पावा के नाम से बोला जाता है, हम इसका एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे। ये मेरे एक दोस्त के ने बाय किया है, तो मैं आपको बताना और दिखाना चाहता हूँ कि इस डिवाइस में क्या है और ये डिवाइस दिखने में कैसी है या इसके अंदर स्पेसिफिकेशन कैसी है या क्या चीज़ है। आइए हम आपके सामने इसको रखते हैं कि ये डब्बे के अंदर क्या चीज़ें इसके साथ मिलती हैं। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जी जनाब, यूँ इसका एक दोबारा एक लोगो मिलता है पावर के नाम से। तो इसके जो डब्बे के ऊपर मेंशन जो किया जाता है वो है जी हेलियो G80 प्रोसेसर। हमने जो लास्ट टाइम टेक्नो 16 SE की जो आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर किया था, उसमें 70 प्रोसेसर है, इसमें पावर में G80 प्रोसेसर लगा हुआ है और 6000 मेगाहर्ट्ज़ बैटरी इसमें है। और जो इसके लास्ट में हमने टेक्नो कैमन 16 जो आपके साथ शेयर किया था, उसमें 5000 थी। ये भी 18 वॉल्ट फ्लैश चार्जर है, बिल्कुल ठीक। ये 6.8 इंचेस की इसका डिस्प्ले है और ये टेक्नो की एक डिवाइस है। इस पर भी वही रूटीन में जो एक स्पेसिफिकेशन लिखी होती है, IMEI नंबर जो होते हैं वो इस पर लिखे हुए हैं। अब इसकी जो डिवाइस है वो हमें यूं मिलती है एक ट्रे में। ये एक टेक्नो की पावा नामी एक 6000 बैटरी के साथ ये इस तरह की एक डिवाइस है। इसके ऊपर भी वही 6000 मेगाहर्ट्ज़ बैटरी, जो एक बिल्कुल बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, 6000 मेगाहर्ट्ज़ बैटरी। और इसके साथ जो नीचे 18 वाट फ्लैश चार्जर दिया गया है और 6.8 इंचेस का इसका जो डिस्प्ले है, और जो मेंशन किया गया है वो G80 प्रोसेसर है जो इसके अंदर बिल्ड है। अब देखते हैं जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, इसको साइड पे करते हैं जी ट्रे को, तब तक इसको ऑन करते हैं। ये तो ऑन ही है, चले अच्छा हो गया, सही हो गया जी। इसको हम साइड पे करते हैं। इसके साथ एक मिलती है जी वही टेक्नो की सेफ्टी इंफॉर्मेशन जो हर मोबाइल के साथ है, इस पर क्या बात है। अच्छा, ये इसकी सिलिकॉन केसिंग है, लेकिन इस पर एक अजीब बात ये भी है कि इस पर मैनचेस्टर का कोई लोगो नहीं है और ये एक सिलिकॉन केसिंग है, देख लीजिए अब आपके सामने है, ठीक है। वो भी देखते हैं इसके साथ लग के वो कैसी होती है। अच्छा जी, अब इसके साथ जो चार्जर मिला है जी वो फास्टर चार्जर है, और जी टेक्नो का अपना ये चार्जर है, सही हो गया, ये फास्टर चार्जर है जी। देखते हैं अब इसको, ये ऐसा वाला चार्जर इसके साथ दिया जाता है, ठीक है। अब इसके साथ यूं एक पैकिंग में आपको माइक्रो USB टाइप एक USB केबल भी मिल जाती है, डाटा केबल भी इसको आप बोलें, चार्जर केबल भी इसको आप बोलें, जैसा आप करना चाहें। तो इसकी जो वही पुराना मॉडल जो हर मोबाइल के साथ इसकी जो हैंड फ्री है वो दी जाती है, वही चीज़ जो आप हर मोबाइल टेक्नो की हर डिवाइस के साथ आप देख सकते हैं जी। अब इसमें और कुछ है पता नहीं है कि नहीं है, मेरा ख्याल है बस यही कुछ है जी, बाकी तो हमें यही कुछ है जी। तो सिम जटर नहीं निकला, मेरा ख्याल है वो इसने निकाल लिया हुआ है, वो इधर लगा हुआ था वो निकाल लिया हुआ है। खैर, ये चीज़ें जी इसके साथ मिलती हैं। अब आ जाते हैं डिवाइस पे। डिवाइस जो है वो 6.8 इंचेस की जो डिस्प्ले की जो साइज़ है वो आपके सामने है, ये इस तरह की दिखती है, लेकिन इसको सिलिकॉन जब इसकी जो केसिंग लगाते हैं तो ये इस तरह का कुछ इसका दिखेगा डिस्प्ले। ये अब आप देख रहे हैं, इसके ऊपर भी पीछे ये एक पावर का लोगो बना हुआ है, पावर के अपना एक कैमरा का क्वाड कैमरा लिखा हुआ है। चार कैमरे इसमें दिए गए हैं, 1, 2, 3, 4 क्वाड कैमरा, ठीक है जी। फ्लैश है और सेंसर जो इसका है वो बैक साइड पे दिया गया है, और इसके साथ एक अजाफी बटन एक दिया गया है, ये गूगल के लिए है जी, ये गूगल का एक अजाफी बटन दिया गया है। यहाँ पे पावर और वॉल्यूम के बटन भी हैं, और जो लेफ्ट साइड पे जो बटन दिया गया है वो गूगल के लिए स्पेशल दिया गया है, जैसे ही आप इसको प्रेस करते हैं तो गूगल का सिस्टम आपके सामने आ जाता है। ये देखिए, मैं जो बोल रहा हूँ वो ये भी लिखता भी जा रहा है, ये देखिए आपके सामने है, ठीक है। तो ये गूगल ले जी, ये उसने रिजल्ट भी दे दिया उसका, तो ये गूगल के लिए एक बटन बनाया गया जी स्पेशल, ये वो आपको दिखेगा। और लेफ्ट साइड पे इसकी सिम की ट्रे वगैरह रखी गई है, ये आपको दिख रही है,
ठीक है, तो सिम जैक, सिम जो इसकी ट्रे है वो भी लेफ्ट साइड पे है और गूगल का एक बटन है वो भी लेफ्ट साइड पे दिया गया है। तो ये इसका सेंसर बैक साइड पे है। अब हम इसको इसका कैमरे को जो है वो आपको दिखाते हैं। जो इसका कैमरा है वो अगर हम बैक कैमरा दिखाएं तो अच्छा कैमरा इसका ना वो उसकी क्वालिटी नहीं है जो होनी चाहिए, क्योंकि इसमें जो प्रोसेसर और जो इसकी रैम और जो इसका इंटरनल स्टोरेज है वो अच्छी दी गई है, कैमरा इसमें वो क्वालिटी नहीं दिया गया जो होना चाहिए था। लेकिन इसमें जो रैम है वो 6GB रैम है और ये 128GB रोम के साथ डिवाइस आपको मिलेगी। पावा की 6000 mAh बैटरी इज अ ग्रेट, मैं समझता हूँ बहुत ज़बरदस्त है पबजी गेमें वगैरह खेलने और ये दो ये वो जो भी लगे रहते हैं सारा दिन, बैटरी के लिए काफ़ी है। कैमरा अगर यूज़ करना है तो सॉरी ये सजेस्ट नहीं करूँगा, ये कैमरे वालों के लिए मोबाइल नहीं है। अब हम इसका कैमरा देखते हैं, कैमरे के लिए ये मोबाइल सॉरी नहीं है, इसका जो वो रिजल्ट नहीं है जो होना चाहिए। अब आप देखिएगा कि जो इसका बैक कैमरा आपको नज़र आ रहा है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसकी जो तस्वीर है वो उतरी हुई तस्वीर एक हिसाब से तो आपको सही नज़र आ रही है, लेकिन इसका जो कैमरा है वो उस हिसाब से नहीं है जो होना चाहिए। इसका जो क्वाड कैमरा बैक साइड का कैमरा है वो 13 MP का कैमरा है, 2 MP इसका दूसरा कैमरा है, फिर 2 MP इसका दूसरा कैमरा है। ये मेन कैमरा इसका जो बैक साइड के हैं वो 13 MP से शुरू होते हैं, यानी वो 48 MP कैमरा नहीं है। अब इसका जो फ्रंट कैमरा जो आपको सामने डॉट नॉच में नजर आ रहा है, ये ड्रॉप कैम इसको बोलते हैं, ये डॉट नॉच बोलते हैं कुछ भी, तो वो जो कैमरा है वो सिर्फ 8 MP का कैमरा है जो इसका फ्रंट कैमरा है। अब आप इसको देखिए, ये इसका जो 8 MP का फ्रंट कैमरा है उसकी भी जो रेजोल्यूशन है अच्छी है, लेकिन वो मैंने पहले भी अर्ज की कि वो जो रिजल्ट था वो जो रिजल्ट होना चाहिए वो नहीं है जो होना चाहिए। वैसे 1080p पे ये अपनी कैमरा रिकॉर्डिंग करता है, फ्रंट की भी और बैक की भी 1080p पे रिकॉर्डिंग कर रहा है, ये भी बहुत बड़ा मार्जिन है मेरा हिसाब से, लेकिन वो रिजल्ट नहीं है जो एक कैमरे वालों को चाहिए। कैमरे वालों के लिए ये मोबाइल नहीं है। हाँ, बैटरी के लिए, गेम्स के लिए, स्टोरेज के लिए या इसको और यूज़ करने के लिए काफ़ी है, क्योंकि इसमें हैवी G80 प्रोसेसर लगा है और 6000 MHz बैटरी, जो वेरी बिग बैटरी है। ये चीज़ें थी आपके सामने, ये इसका है जी आपका एक लुकिंग जो आपको दिख रही है, ये वेरिएंट जो है ये ब्लू शेड में आपको, ब्लैक और ब्लू शेड में आपको इस तरह का दिखेगा अगर कैमरा आपको ठीक से दिखा पा रहा है तो। तो ये एक चीज है जी आपके सामने, इसको आप देखिए और यूजेज में बड़ा अच्छा है, ये मैं आपको बताऊं। मैंने इसको यूज किया पहले इसलिए तो ये ऑन था, मैंने अपनी तरफ से बंद किया लेकिन नहीं हुआ। अभी देखिए वाईफाई इसमें ऑन है, बिल्ड इन है, व्हाट्सएप वगैरह, ईमो वगैरह हर चीज इसमें बनी हुई है, लेकिन अच्छा है, स्मूथ चलाने में है, इसका टच भी जबरदस्त है, पैनल भी जबरदस्त है मैं समझता हूँ। और अब एंड पे बात करते हैं सॉरी इसकी कीमत पे, जो इसकी कीमत है वो मार्केट में 26,000 रुपए तक की है, लेकिन ये हमें मिला है 25,000 का। ये देखिए जी, ये 25,000 का ये मिला है जी, और 25,000 में आपको 6GB जो है वो 128GB के साथ मिल रहा है, ये आपके सामने है ठीक है। तो मैं समझता हूँ 25,000 में बैटरी, स्टोरेज, रैम ग्रेट है, कैमरे के लिए सॉरी। तो जो कैमरे के लिए लेना चाहे वो अपना कोई और देख लें, और जो बैटरी और इसके साथ मजीद चीज़ें जो गेमिंग के लिए और दूसरे लवाजमात के लिए हों तो पावा इज़ द बेस्ट। खैर, टेक्नो की कोई भी डिवाइस अपने पैसों के हिसाब से मार नहीं खाती, लेकिन जितने उन्होंने पैसों की बात की है और जो इसमें डाल दिया है वो पैसों के हिसाब से तो काफ़ी है जनाब। बहरहाल ये आपके सामने था हमारा एक एक्सपीरियंस टेक्नो की एक डिवाइस जिसका नाम है पावा कह लें। बहरहाल ये जी आपके सामने डिवाइस है, इसी के साथ जल्द दीजिए, अल्लाह के बाद, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।